हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो और हम पहुंच चुके हैं व्हाइट पॉड। How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. देते आपको इसका टूर। लेट्स गो इन। तो ये है अंदर से हमारा व्हाइट पॉट जो कि गर्मी में हो चुका है ग्रीन पॉट, और ये है यहाँ पे बेड। बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा बेड है और उन लोगों ने रखे हमारे लिए कुकीज। घर के दो कीचेन्स भी दिए और वेलकम नोट भी छोड़ा है, और है अच्छी सी काउच, और यहां पर है ये है यहाँ का हीटर जिसपे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो अगर आप स्नो टाइम पे आते हैं तो परफेक्ट होगा, हम आए समर टाइम पे तो हमारे लिए एसी है उस तरफ। बट अगर रात हो जाती है तो रात में बहुत ठंड पड़ती है, तो तब ये चालू होगा और हम टेम्परेचर सेट करेंगे, तो जब करते हैं तब आपको दिखाएंगे। और एक चीज तो मैं भूल ही गई, वो है वापस से उस तरफ है, और वो है ये टेबल। ये टेबल पे है कॉफी और टीज दिए हुए हैं। यहाँ पे पूरा व्यू दिख रहा है, यहाँ से माउंटेन्स दिख रहे हैं और ये पूरा खुला हुआ है, और उधर से लेक जिनेवा भी दिख रहा है। बाहर जाके भी दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, बट ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। और है ये वॉकी टॉकी, तो अगर कुछ हो जाता है या हमें कुछ चाहिए होता है तो हम इससे बात कर सकते हैं डायरेक्ट रिसेप्शन में, क्योंकि आपको पता ही है कि रिसेप्शन कितना दूर है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा अंदर का वॉशरूम, विच इज अमेजिंग अगेन। पूरा वुड का बना हुआ है ये। हेलो। और छोटा सा यहाँ पर है बात एरिया भी, हमारा प्राइवेट। और जो वो पॉड है उससे अंदर यहाँ पे बहुत अच्छा ठंडा सा लग रहा है, क्योंकि ये पूरा वुड का है तो टेम्परेचर यहाँ पे एटलीस्ट 5 degrees डाउन है, तो और भी अच्छा लग रहा है। और यहीं से आप पानी पी सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या। और उन लोगों ने अच्छे से बहुत ही अच्छे से सोक दिए है, स्मेल सो गुड। वाओ। तो ये है व्हाइट पॉट का टूर। तो इस बैग में क्या है अगर आप सोच रहे हैं तो मैं अब बताती हूँ। ये बैग हमें रिसेप्शन पे मिला था, जैसे मैंने आपको बताया ही था। इसके अंदर है हमारी बेडशीट जो हमने पहले रख ली थी, इसलिए यहाँ रखते ही ये उन्होंने नहीं दिया है।
दिया है ये मैप। इस मैप में इन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ हमने पार्किंग किया था, उसके बाद हमारा जो पॉड हाउस है वो इस तरफ है, उसके बाद हम यहाँ सब जगह हाइक कर सकते हैं। तो अगर प्लान हुआ तो हम हाइकिंग करेंगे इधर। और ये जो सामने माउंटेन दिख रहा है वो सब है, वो सब भी बताया इन्होंने कौन कौन से माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी बाद में। बट ये है, एक मैप दिया है इन्होंने। साथ में दिया है कि इमरजेंसी नंबर, अगर कुछ हो जाता है तो इमरजेंसी नंबर। और इधर दिया है कितने यहाँ पे पॉड्स हैं। हमारा पॉड है नंबर 10, जो कि है दिस साइड। तो यहाँ बहुत सारे पॉड्स हैं। और क्या दिया है, और दिया है ये लाइट, मतलब टॉर्च, हेड टॉर्च। तो इसे हम हमारे सर पे लगा के जा सकते हैं। तो ये दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है बाइनोकुलर्स, जिससे हम देखेंगे यहाँ के माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ से इससे दिख रहे हैं बहुत सारे अच्छे से माउंटेन रेंजेस। और यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी हैं जिसे हम स्पॉट कर सकते हैं इस बाइनोकुलर से, वो भी दिया है। और दिया है एक और हेड टॉर्च, और साथ में ये अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का तो जरूरत आज पड़ने ही नहीं वाला है क्योंकि इतना गर्मी है। हाँ, बट शायद गर्मी से बचाने के लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें दी थी इस बैग में। और साथ में है ये फ्लोटर्स, ये फ्लोटर्स भी यहीं से मिले हैं हमले। तो हमें वॉक करना होगा तो ये फ्लोटर्स पहन के हम जाएंगे। सौरभ गॉट अ पिंक फ्लोटर, बट मेरे साइज का यही था। यस, रिसेप्शन एरिया तो नीचे है, बट जहाँ पे हमारे पॉड्स हैं उसी के पास है एक कैफेटेरिया, और वहाँ पे मिलेगी टी और कुछ यमी सी केक्स जो कि हमारे उसमें इंक्लूडेड है। तो हम जा रहे हैं केक और टी कॉफ़ी पीने। 4:30 तक ही अवेलेबल है, 3:50 ऑलरेडी हो गया है। Maybe? Yeah. Yes, please. It's apple juice. Yeah, I want apple juice. Or add kombucha too. No, I think both apple juice. Apple juice. Yes, please. लोग जा रहे हैं अब यहाँ पे डिनर करने वाइट पॉड में, रिसेप्शन एरिया में। तो फिर से पूरा ट्रैकिंग करते हुए नीचे जाना होगा, डिनर करना होगा, फिर उसके बाद वापस आना होगा वापस हाइक करके रात में। सोच रहा हूँ कुछ खाने का वापस सामान पैक करा के ले आऊँ क्योंकि हाइक के बाद फिर भूख लगेगी। हाँ, जस्ट नहीं, बट आइडिया बुरा नहीं है। और ऊपर से वेजिटेरियन क्या मिलेगा वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। और जब आए थे ना तब तो बहुत गर्मी लग रहा था, बट अब लग रहा है ठंड। तो जीन्स पहन लिया है, सौरभ ऑलरेडी जैकेट पहन चुका है, और वैसे तो हमारा रेनकोट वाला जैकेट है, तो मैं भी अपना रेनकोट वाला जैकेट पहन लेती हूँ क्योंकि हम नॉर्मल स्वेटर्स लाई नहीं है। तो एटलीस्ट इससे थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि ये जो वाइट पॉड है माउंटेन के ऊपर है, अराउंड 1600 मीटर की हाइट पर है। ऑफ कोर्स तो रात में थोड़ा ठंड हो रहा है। यस, तो अब जाते हैं नीचे वापस।
हाइक कर रिसेप्शन यस हाइक करते हुए नीचे और वापस आएंगे. तो लेके चलते आपको और बताते हैं कि क्या क्या खा रहे हैं हम डिनर में. तो जो रेनकोट पहना था ना उसमें तो ठंड लग रहा था, तो मैंने अपना नॉर्मल जैकेट ले लिया है. बहुत सारे लोग पूछते मुझसे ये जैकेट कहाँ से खरीदा, बड़ा बड़ा कलरफुल सा सब फ्लावर्स बने हैं. तो ये मैंने ब्रिश्का से ख़रीदा था, जिन जो लोग मुझसे पूछते हैं. और बहुत पुराना है, एटलीस्ट 6 ईयर्स से पहन रही हूँ ये जैकेट. में हेलो 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 नहीं बात नहीं करनी. ओके देन लेट्स गो. Into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But मेनू दे चल रहा है यहाँ पे भी. उधर जब हम लास्ट टाइम खाया था ना तब भी ऐसा ही था ऑलमोस्ट. यहाँ पे सिर्फ ये है, इसको स्कैन कर लो और मेनू पता चल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं. तो वेजिटेरियंस के लिए 2 ऑप्शंस हैं. तो जब वो आते हैं तब मैं बताती हूँ हमने क्या ऑर्डर किया. बट ये मिला है हमें स्टार्टर में, इसके अंदर है ब्रेड. शायद ब्रेड को भी ठंड लगता होगा इसलिए उसको ऐसे वुलन के अंदर कर दिया है. ये होममेड ब्रेड है और इसके साथ मिला है हमें होममेड बटर. दोनों घर का बना हुआ है और भूख भी बहुत लग रहा है क्योंकि लंच नहीं किया था. तो अब खाते हैं ये सबसे पहले. तो जो ये बटर है ना, ये स्मोक्ड बटर है, तो अलग ही टाइप का टेस्ट आ रहा है बटर का. और ब्रेड भी बहुत अच्छी है. तो आ चुका है हम लोगों का मेन कोर्स. स्टार्टर्स ऑर्डर ही नहीं किया था तो मेन कोर्स आ गया है. लेंटिल्स है और अंदर इसके है रिसोटो, मतलब दाल चावल, और ऊपर है ब्रोकोली और टमाटर. तो एक ये डिश है और एक ये है विच इज़ तागलियातेली, विच इज़ अ टाइप ऑफ अ पास्ता, और इसके ऊपर भी वेजिटेबल्स. तो ये है 2 डिशेज जो हम लोगों ने ऑर्डर करी. अब खाते हैं और बताते हैं कि कैसे. अमेजिंग फूड था, पूरा ख़त्म कर दिया है, दोनों डिशेस कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है. सुपर हैप्पी खा के. बहुत डार्क आ रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया है. या 9 o'clock हो गया होगा. 9 o'clock हो गया है. यस. Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again.
We've been through it all. You're the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me, and the story left within tells me how to breathe. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who मॉर्निंग. आज ही हमारा लास्ट डे और आज भी हमको मिला है ब्यूटीफुल सा वेदर. सन आ रहा है बिल्कुल सामने और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. ब्रेकफास्ट टाइम. ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और उन लोगों ने हमको दिया होममेड ब्रेड, होममेड बटर, होममेड जैम और बीटरूट जूस. बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट. ये था हमारा यूनिक ट्रेंडी होटल जिसका नाम है वाइट पॉड. वाइट पॉड नहीं था, ग्रीन हो गया था समर के कारण, बट नाम वाइट पॉड ही है. स्नो टाइम पे ये वाइट हो जाता है क्योंकि इसका ये जो ग्रीन कलर का शील्ड लगाया है वो हटा देते हैं. और अब बात करते हैं इसके प्राइस की. तो हम लोगों ने यहाँ पर स्पेंड किया एक नाइट और अलग अलग टाइप के पॉड हैं. तो हमारा था कोजी पॉड, उसका प्राइस था 330 यूरो फॉर वन नाइट. तो अराउंड 25,000 रुपीस इन इंडियन रुपीस. और ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स के भी पॉड्स हैं तो आप चेक कर सकते हैं. हम इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर देंगे, तो आप जाके चेक कर लीजिए. और अगर आप रहना चाहते हैं तो ज़रूर इस ऑप्शन को चूज़ करिए. और आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ये यूनिक ट्रेंडी होटल. और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और होटल एक्सप्लोर करें थ्रू आउट द यूरोप और मे बी यूरोप के बाहर भी, तो वो भी हमें बताइए. तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट टाइम जब प्लानिंग करेंगे, सो वी विल लुक फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रेंडी होटल इन आवर ट्रेवल प्लान्स. यस, लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन. हम एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो है कोरोना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि अगर आप कोरोना टाइम में ट्रैवल करना चाहते हैं स्विट्जरलैंड तो आप कैसे कर सकते हैं. वैसे तो अभी स्विट्जरलैंड में हर कंट्री से ट्रैवलर अलाउड नहीं है, अभी सिर्फ यूरोपियन यूनियन से ही अलाउड है और कुछ 12-13 कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा. मगर ये लिस्ट हर हफ्ते बदलती रहती है. तो आप चेक कर सकते हैं हर हफ्ते. एक वेबसाइट है स्विट्जरलैंड की, गवर्नमेंट की, वो हम यहाँ दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और स्क्रीन पर भी. वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या इंडिया का ट्रैवल ओपन हो गया है या किसी और कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से ओपन हो गया. जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने फ्रांस पे क्वारंटीन का रूल लगा दिया था कि अगर आप फ्रांस से आ रहे हैं तो आपको यहाँ आते हैं स्विट्जरलैंड में तो आपको 10 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा. तो ये इन्फॉर्मेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है, वो आप चेक कर सकते हैं. बट अगर आप एक बार स्विट्जरलैंड आ जाते हैं तो काफ़ी रिलैक्स है. हाँ, आपको मास्क पहनना पड़ेगा अगर आप किसी भी पब्लिक एरिया में हो, मतलब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हों तब आपको मास्क पहनना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन हियर. तो एंड करते हैं हम हमारा ये वीडियो और साथ में स्विस ट्रैवल सीरीज भी.
अब हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ से सामान पैक करके सीधा ड्राइव करेंगे बैक टू नेदरलैंड्स। ऑलमोस्ट 9.5 आवर का ड्राइव है। तो लास्ट पार तो हम लोग हाइडलबर्ग में रुक गए थे, मगर हमारा ये लास्ट दिन है हॉलीडे का भी, तो हम सोच रहे हैं कि सीधा ड्राइव करके घर पहुँचते हैं। इसलिए हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे उसका, क्योंकि रोड पर ही पूरा वीडियो आने वाला है। हाँ। तो ये हमारा लास्ट व्लॉग है हमारे स्विस ट्रैवल सीरीज का, और कल से है ऑफिस, बैक टू नॉर्मल लाइफ। और हम लोगों ने ट्राई किया है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने इस व्लॉग्स के थ्रू आप पे पहुंचा सकें, ताकि आप अपना स्विस ट्रैवल प्लान कर सकें। बट कई बार होता है कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो अगर ऐसी कोई चीज़ छूट गई है हमारी स्विस ट्रैवल सीरीज में, और अगर या तो फिर आपको कोई क्वेश्चन है जो कि आपको इस ट्रैवल सीरीज में आंसर नहीं मिला है, या इन एनी केस कोई क्वेश्चन है स्विस से लेके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम एक और वीडियो जिसमें आपका जितने भी क्वेश्चन है स्विस रिलेटेड स्पेसिफिक उसे आंसर करेंगे। एंड करते हैं हम हमारा ब्लॉग अब यहीं पर, और इसके साथ भी हमारी स्विस ट्रैवल सीरीज भी यहीं खत्म होती है। बट आपको ये वीडियो कैसा लगा, इनफैक्ट आपको ये स्विस ट्रैवल सीरीज कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी रियली लव टू रीड योर कमेंट्स, और आप हमें इस वीडियो पे लाइक भी करिएगा, भूलिएगा मत। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। हमारा हैंडल है इंस्टाग्राम पे देसी कपल ऑन द गो, और फेसबुक पे है शेड्स ऑफ मैक्स। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज वेल, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग इंस्पायर हो सकें स्विस ट्रैवल प्लान करने के लिए, या फिर अगर नहीं भी कर पा रहे तो ये वीडियोस देख के एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं हम आप लोगों से हमारी नई ट्रैवल सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ एवरीवन। यस, बाय बाय।